ओम शांति। हमारा समर्पित जीवन कितना महान है। भगवान जब इस धरा पर आए तो उन्होंने याद दिलाया, बच्चे तुम भक्ति करते बाप को कहते थे, हे प्रभु जब आप इस धरा पर आओगे हम आप पर बलिहार जाएंगे। अब मैं आ गया हूँ, अपना वायदा पूरा करो। भगवान के ये वचन सुनकर अब तक कई हजार आत्माएं अपने जीवन को प्रभु अर्पित कर चुकी हैं। इस श्रेष्ठ कार्य में, इस दिव्य कार्य में जो शिव बाबा स्वयं करने आए हैं, युग परिवर्तन, कलयुग को सतयुग में बदलने आए हैं, इस महान कार्य में कितनी आत्माओं ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। सचमुच महान हैं, नमन योग्य हैं वो महान आत्माएं जिन्होंने भगवान को पहचान कर उसको पाकर अपना सर्वस्व बलिहार कर दिया। तो ये समर्पण जीवन सचमुच बहुत सुंदर है। बस सोचना ये है, जब हमने सब कुछ समर्पित कर दिया तो अब इसका पूरा फायदा उठाएं, कहीं हमारे अंदर मेरापन न रह जाए। सबसे सूक्ष्म समर्पणता मेरेपन की ही है। चाहे हमारे पास किसी सेवा केंद्र की जिम्मेदारी है, चाहे किसी डिपार्टमेंट को हम संभालते हैं, हमें ये समझना है हम निमित्त हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब बाबा का है, उसने हमें सौंप दिया है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ रचकर ब्राह्मणों को कहा, हे वत्सो तुम इस यज्ञ की संभाल करो, इस यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करो और देवताएं तुम्हें मन इच्छित फल प्रदान करेंगे। तो बाबा ने ये यज्ञ रचकर हम वत्सों के हाथों में सौंप दिया, बच्चे अब इस यज्ञ को सफल करो, इसको निर्विघ्न बनाओ और जो देवकुल की आत्माएं यहाँ आती हैं तुम उनको तृप्त करो, वो तुम्हें सब कुछ देते रहेंगे। तो ये समर्पित जीवन सचमुच अति प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। मेरा कुछ भी नहीं है, ये गुड फीलिंग एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस हम सभी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। जो कुछ भी आप अपने घर में लाओ, मान लो आप कपड़े खरीद कर लाए, बाबा के आगे रख दो, बाबा का कमरा आपके पास होगा, बाबा के आगे रख दो, समर्पित करो। आप अन्न लाए खरीद कर, बाबा के आगे रख दो, बाबा ये तुमको अर्पित है। आपको सैलरी मिली, आप धन लाए, बाबा के आगे रख दो, बाबा ये आपको समर्पित है। और भी कोई चीज, भोजन आपने बनाया उसको बाबा को अर्पित कर दो, बाबा ये आपको अर्पित है। अब हम आपकी ओर से खाएंगे, आपकी ओर से वस्त्र पहनेंगे, आपके धन से हमारी पालना होगी, तो बाबा आपकी इन भावनाओं के अनुरूप आपका सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। और फिर अपने अंदर ये गुड फीलिंग बढ़ाते चलना है कि हमारी पालना तो स्वयं भगवान कर रहे हैं, उसी के धन से हमारी पालना हो रही है, उसी के अन्न से हम भोजन खा रहे हैं, उसी के दिए हुए वस्त्र हम पहन रहे हैं, उसी का दिया हुआ घर हम यूज कर रहे हैं। ये समर्पण भाव हमें बहुत उच्च स्थिति में ले चलेगा। इससे बहुत सुंदर अनुभूति होंगी, मेरापन समाप्त होता रहेगा और बाबा का ये परिवार बन जाएगा। बाबा अपने परिवार की, अपने बच्चों की स्वयं केयर करेगा, उनकी संभाल करेगा। तो आज सारा दिन समर्पण भाव मन में धारण करते हुए हम एक बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे और वो है फरिश्ता सुद देवता बनने का। अपने तीन स्वरूप सामने देखेंगे, मैं ब्राह्मण, मेरी एक साइड में मेरा देव स्वरूप खड़ा है, दूसरी साइड में देखेंगे फरिश्ता स्वरूप खड़ा है, मैं आत्मा इस ब्राह्मण तन से निकलकर अपने फरिश्ते स्वरूप में प्रवेश कर लेती हूँ।
फील करें मैं फरिश्ता हूं, फिर उस देह से निकलकर मैं अपने देव स्वरूप में प्रवेश कर लेती हूं, फील करें मैं देवता हूं, फिर इस देव स्वरूप से निकलकर मैं पुनः ब्राह्मण स्वरूप में आ जाती हूं, अब मैं प्रभु पालना में हूं, फिर इस ब्राह्मण देह से निकलकर फरिश्ते की देह में, फरिश्ते से निकलकर देवता की देह में, ये खेल करेंगे बहुत आनंद आएगा। ऐसा खेल हर घंटे में यदि एक बार भी कर लिया जाए तो सारा दिन मन आनंद से भरपूर रहेगा। ओम शांति।